पुलिस की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोकी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। जिस दिन से वर्दी को पहना है, डर ने भी अपना रास्ता बदला है। जब दुनिया जश्न मनाती है, तब पुलिस फर्ज निभाती है। जय हिंद दोस्तों, कुछ ऐसे ही क्रेजी डायलॉग सुनकर पुलिस की वर्दी पहनकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मन करता है ना। आई एम श्योर आपने गंगाजल, वांटेड, दबंग, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी मूवीज आईपीएस एस्पिरेंट्स के लाइफ में बहुत वैल्यू क्रिएट करी होगी। इस वीडियो के पीछे की आवाज में मैं सिद्धार्थ सिंह उर्फ सिद्धार्थ भैया आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट्री सीरीज की पहली वीडियो लबासना को आपने बहुत प्यार दिया है। अब बात करते हैं हैदराबाद पुलिस अकेडमी की, जहां महिला और पुरुष दोनों लोहे के समान जलते हैं, ढलते हैं और गोली जैसे चलते हैं। दोस्तों, आईएस और लबासना पर बात करने के बाद आज हम भारत की एक और बहुत मुश्किल ट्रेनिंग आईपीएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी में से जो कोई भी भविष्य में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर की तरह देखता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी यानी कि एसवीपी एनपीए में ट्रेनिंग करने का सपना तो जरूर देख ही रहा होगा, है ना? एक ऐसा सपना जो आपको हर मुश्किल को पीछे छोड़कर बिना रुके और बिना थके आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। एक ऐसा सपना जो आप सभी ने बंद नहीं बल्कि खुली आंखों से देखा है। एक ऐसा सपना जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी की तरफ आपको ले जाता है। एसवीपी एनपीए में ट्रेनिंग करने की ख्वाहिश आपको रोज थोड़ी सी और मेहनत का हौसला देती है और एक ऐसा जज्बा देती है जो दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को नंबर वन बनाने की रेस में दौड़ने में आपकी बहुत मदद करती है। एसवीपी एनपीए एक ऐसी अकेडमी है जो भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस ऑफिसर्स को उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनके संबंधित राज्य कैडर में भेजे जाने से पहले ट्रेनिंग करवाती है। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस का ओरिजिन भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय इंपीरियल पुलिस में देखा जाता है। 1948 में भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के ठीक एक साल बाद इंडियन इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा से रिप्लेस किया गया था। 1950 में भारतीय संविधान लिखे जाने के बाद भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक के रूप में हुआ था। बाकी दो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं। वहीं अगर बात इस एकेडमी के गौरवशाली इतिहास की करें तो एकेडमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को राजस्थान के माउंट आबू में केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यानी सीपीटीसी के रूप में की गई थी। 1916 में इस ट्रेनिंग कॉलेज का नाम बदलकर राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी एनपीए कर दिया गया। इसके बाद 1974 में इस एकेडमी का नाम भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख गया, जिन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने और आईपीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग कराने के लिए एक ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना करवाई थी। 1975 ही वो समय था जब इस एकेडमी को राजस्थान के माउंट आबू से हैदराबाद शिफ्ट किया गया, जहां आज के समय आप इस एकेडमी को देखते ही हैं। हैदराबाद में 277 एकड़ में फैली यह एकेडमी शहर से 8 किलोमीटर दूर हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग पर स्थित है। अब अगर बात करें वीडियो के सबसे बेस्ट पार्ट की, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है आईपीएस की ट्रेनिंग कैसे और कितने स्टेजेस में कंप्लीट होती है। इस आईपीएस ट्रेनिंग में ना जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्रिय जो पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आईपीएस की ट्रेनिंग में आपका रोज का स्केड्यूल जो है वो इस तरीके से गुजरता आपको पता भी नहीं चलेगा। सुबह 4 बजे आप उठते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं। 4:30 बजे आपको हो जाता है असेंबली हॉल में आने के बाद, उसके बाद फिर आप रनिंग के लिए चले जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं। आपकी जो पूरी टीम है, जितने लोग आईपीएस सेलेक्टेड होंगे उसमें से 20 की बटालियन 20 के स्क्वाड्स में डिवाइडेड होंगे, यानी कि एक स्क्वाड टीम में 20 मेंबर्स रहेंगे और वैसे ही लगभग 8 से 10 स्क्वाड्स होते हैं। और आपका जो स्क्वाड टीम है ना
वो उनसे जो रिश्ता है वो जीवन भर का हो जाता है, क्योंकि उसी टीम के साथ आपको कितनी भी जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है, जो भी ट्रेनिंग होती है, शूटिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, स्विमिंग होती है, और न जाने कितने कितने स्पोर्ट्स होते हैं, वो सब करने होते हैं। उसके बाद फिर सुबह होते 11-12 आपका लेक्चर लगता है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको ITC, CRPC, फॉरेंसिक साइंस जैसे शानदार सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉज पढ़ाया जाता है आपको। इतना स्किल्स की डेवलपमेंट होती है ना उस पूरे के पूरे फेज में, मतलब मजा आ जाता है। पोलो, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसा मैंने अभी आपको बताया, और भी शूटिंग, अन्य अन्य प्रकार की गन्स जो है, जो आप मूवीज में देखते हो ना, जैसे सिंघम में हो गया, दबंग हो गया, और कई सारी ऐसी मूवीज जहां पर गन्स फैसिनेट करती होंगी आपको। वर्दी जो खाकी है अपने आप में ही एक अलग रुतबा है, स्टार लगता है, बेल्ट लगता है, कैप है, डंडा है, शूज है, अपने आप में ही एक अलग रुतबा है, अपने आप में ही एक अलग चार्म है। दोस्तों ये जो पूरी ये जो जर्नी है, जो तैयारी है, ये बहुत शानदार है। मेरा ये जो था ये सबसे फेवरेट पार्ट था, क्योंकि इसमें बहुत मेंटल एक्सरसाइज, यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज होती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में आके तीन चीज़ें सीख ही जाता है बंदा, एक तो डिसिप्लिन, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा कि डर का सामना करना, कि डर से डरो मत, डर से लड़ो। ये मेरा फेवरेट एरिया था, आपका क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टेजेस में कंप्लीट होती है, आसान शब्दों में कहें तो आप कब आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। दोस्तों आईपीएस की ट्रेनिंग भी आईएएस और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के साथ ही शुरू होती है। इन सभी का चयन यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से होता है। आईपीएस की ट्रेनिंग भी आईएएस की तरह सैंडविच फॉर्मेट में होती है। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये सैंडविच फॉर्मेट का क्या मतलब है। दोस्तों आईपीएस की ट्रेनिंग का फॉर्मेट कुछ कुछ सैंडविच में दो ब्रेड और सेंटर में स्टफिंग जैसा होता है, यानी कि पहले आपको एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद आपको स्टफिंग की तरह फील्ड में ट्रेन किया जाता है, इसके बाद आखिरी ब्रेड की तरह फिर से एकेडमी में आपकी वापसी हो जाती है। हम सब आपको आईपीएस ट्रेनिंग के स्केड्यूल का स्टेप के साथ ओवरव्यू देंगे। लबासना, पहला स्टेप जो आपका फाउंडेशन कोर्स है। लबासना एकेडमी ना केवल सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करती है, बल्कि साथ साथ इंटर सर्विस हार्मनी और सपोर्ट पर भी काम करती है। फाउंडेशन कोर्स का एम ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए के नए भर्ती हुए ऑफिसर्स को एक दूसरे को जानने और कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करता है। ये नए ऑफिसर्स को रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर का सही तरीका सिखाता है। फाउंडेशन कोर्स का एम है अलग सार्वजनिक सेवाओं के बीच अधिक सहयोग और कोऑर्डिनेशन बनाना। ये एक ट्रेनी ऑफिसर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक रूप से भी बेहतर फैसिलिटी है। फाउंडेशन कोर्स के बाद केवल आईएएस अधिकारी लबासना में अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं, जबकि बाकी सेवाओं के ऑफिसर्स को संबंधित स्टाफ कॉलेजों में भेज दिया जाता है। आईपीएस ऑफिसर्स के लिए ऐसा ही कॉलेज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है। अब हम आईपीएस ट्रेनिंग के अगले और बहुत ही अहम स्टेज SVNPA के बारे में बात करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी को युवा आईपीएस ट्रेनिंग ऑफिसर्स को पेशेवर पुलिस ऑफिसर में बदलने का कार्य सौंपा गया है। सरदार वल्लभ भाई पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी हैदराबाद भारतीय पुलिस सेवा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए मुख्य एकेडमी है। आईपीएस ट्रेनिंग के दूसरे स्टेप को दो चरणों में बांटा जाता है, जिसका पहला स्टेप हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी से शुरू होता है। आईपीएस अधिकारियों को भी आईपीएस एकेडमी में प्रशिक्षण के दो चरणों के बीच उनके कैडर के एक जिले में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेनिंग करानी होती है। आईपीएस ट्रेनी ट्रेनिंग के दूसरे स्टेप के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में शामिल होते हैं, जिन्हें बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कहा जाता है। ये स्टेप 11 महीने तक चलता है, जहां आईपीएस ट्रेनी ऑफिसर्स OTS यानी OTS कहा जाता है, कई अलग इंडोर, आउटडोर और स्किल्स वाले चीजों पर ध्यान देते हैं। इसके बाद बाकी बेसिक ट्रेनिंग भी होती है। इस ट्रेनिंग का एम पुलिस की ड्यूटी में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होने के लिए ट्रेनी को तैयार करना होता है। इस ट्रेनिंग में यह भी अश्योर किया जाता है कि ऑफिसर्स को इम्पोर्टेंट कौशल, ज्ञान,
समझ, व्यवहार और एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करना अच्छी तरह से आ जाए। ये ट्रेनिंग ऑफिसर्स को शुरुआती और बाद में कई सीनियर सुपरविजरी फंक्शंस के लिए जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर यानी पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस विभाग की विशेष इकाइयों के लिए तैयार करती है। ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी में इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल तीन डायमेंशंस के इंटीग्रेशन के लिए होता है। पहला सेंसिटिविटी, दूसरा गाइडलाइंस और तीसरा क्वालिफिकेशन। नेशनल पुलिस एकेडमी IPS ट्रेनिंग को मानव मूल्यों को समझना सिखाता है, जो कि न केवल अच्छे पुलिस अधिकारी होने के लिए बल्कि प्रभावी और अच्छे इंसान बनने में भी सहायक होते हैं। SVP NPA में अपनी ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर्स ट्रेनी को सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अलग इकाइयों के लिए अटैच किया जाता है, जो उन्हें राष्ट्र निर्माण में अन्य संगठनों की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये भी बात की जाए कि ट्रेनीज की पासिंग आउट परेड 11 महीने बाद आयोजित की जाती है। इसके बाद IPS ट्रेनिंग का फेज 2 शुरू होता है। दूसरे चरण में एलोकेटेड राज्य कैडर के बारे में नॉलेज को बढ़ाने में मदद की जाती है, जिसमें कि वहां की भाषा, तौर तरीके, संस्कृति आदि जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। ये ट्रेनिंग राज्य पुलिस एकेडमियों में होती है और 3 सप्ताह के लिए करवाई जाती है। इस स्टेप में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का घटक भी शामिल है, जहां ट्रेनीज को पुलिस स्टेशनों में कानूनी मामलों से निपटने की जिम्मेदारी दी जाती है। IPS ट्रेनीज को पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ अटैच किया जाता है, जहां वे जिला स्तर की कार्रवाई के बारे में जानते हैं। ये स्टेज 6 महीने का होता है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो है IPS बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। तो IPS बनने के लिए होने वाले UPSC CSE के एग्जाम में बैठने के लिए कैंडिडेट की एज 21 से 32 साल होनी चाहिए। OBC SC ST उम्मीदवारों के लिए एज में छूट दी गई है। सिविल सेवा एग्जाम में बैठने के लिए आपको केवल ग्रेजुएट होना है। वहीं बात करें कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तो पुरुष के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है 165 सेंटीमीटर, जबकि महिला कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है 150 सेंटीमीटर, जबकि ST कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। इसलिए ST पुरुष कैंडिडेट के लिए केवल 160 सेंटीमीटर और ST महिला कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत होती है। यह जानने वाली बात यह है कि हाइट में मिलने वाली छूट केवल अनुसूचित जनजाति के लिए ही नहीं, बल्कि गोरखा, गढ़वाली, असमिया, कुमाऊनी और नागालैंड आदिवासियों आदि के लिए भी है, जिनकी हाइट डिस्टिंक्टली कम होती है। अगर अब हम बात करें IPS चेस्ट रिक्वायरमेंट की, तो पुरुष कैंडिडेट के लिए पूरी तरह से एक्सपैंड करने पर 84 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए। वहीं महिला कैंडिडेट के लिए पूरी तरह एक्सपैंड करने के बाद 79 सेंटीमीटर चेस्ट साइज होना चाहिए। इसी के साथ ही कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी एबल टू एक्सपैंड चेस्ट साइज बाय 5 सेंटीमीटर। अब अगला नंबर आईसाइट का आता है। तो भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट की दूर की नजर, बेहतर आंखों के लिए सही नजर यानी 6x6 या 6x9 होना चाहिए। अब बात करते हैं अबाउट दी करेक्शंस परमिटेड। इसके साथ ही कैंडिडेट को स्पेक्टिकल्स, CL और रिफ्रैक्टिव सर्जरी लाइक लेसिक, ICL, IOL एक्सेट्रा की परमिशन दी गई है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कैंडिडेट की रिफ्रैक्टिव सर्जरी की गई है तो उसका केस स्पेशल बोर्ड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भेजा जा सकता है। वहीं अगर बात करें रिफ्रैक्टिव एरर्स की, जिन्हें परमिट किया जाता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल एरर के साथ 6D से ज्यादा मायोपिया वाले कैंडिडेट को स्पेशल मायोपिया बोर्ड में भेजा जाता है। बता दें कि UPSC से हर साल 150 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन अब यह आंकड़ा नए नियम के हिसाब से लगभग 180 प्लस छू चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको IPS की ट्रेनिंग का ये पूरा एपिसोड बहुत बेहद पसंद आया होगा। आई एम श्योर आप अपने मार्ग पे IPS बनने के जरूर चल रहे होंगे और आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला होगा।
मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे हमसे मिस हो गया हो या हमने इस बारे में जिक्र ना किया हो, हम कमेंट के जरिए आप हमें बताइए, हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ और कौन सी ऐसी वीडियोस है, कौन सा ऐसा ट्रेनिंग है यूपीएससी के संदर्भ में जहां हम आपकी और हेल्प कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के थ्रू, राइट इन्फॉर्मेशन के थ्रू, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी में मन लग रहा है और करना चाहते हैं तो नीचे दिया है कोड जय हिंद, जय हिंद कोड यूज़ करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट आप अचीव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मौजूद हैं आपके लिए, अगर आप मन बना लीजिए परिस्थितियां बदल जाएंगी। सो उम्मीद है कि आप अपने कंधे पे सितारे अब देख रहे होंगे, माथे पे वो कैप देख रहे होंगे और शरीर पे वो वर्दी देख रहे होंगे, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और आपको अपने अंदर आईपीएस नहीं दिखता है तो शायद आप आईपीएस नहीं बन पाएंगे। मेरा ख्याल है इस वीडियो को सुनने के बाद आप अगली सुबह उठेंगे तो आईने में आपको एक आईपीएस दिखेगा और एक दिन जरूर आप सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इस अड्डा परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की परीक्षा के लिए। मैं सिद्धार्थ सिंह मिलता हूं अगले वीडियो में, साइनिंग ऑफ।